हैकर। सो हे गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले बेस्ट ऑटो हेडशॉट सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। देखो सीन क्या कुछ होता है, आप लोग जब भी हेडशॉट मारने का ट्राई करते हो ना, तो कभी तो आपका एम एकदम हवा में चला जाता है, या फिर कभी आपका जो एम होता है ना वो एनिमी की बॉडी पर ही चिपक जाता है। बट आप लोगों के परफेक्ट तरीके से ना ही वन टैप हेडशॉट लग पाते हैं एंड ना ही ड्रैग हेडशॉट लग पाते हैं। सो गाइस, ये सारी कुछ प्रॉब्लम होती है आपकी गलत सेंसिटिविटी सेटिंग की वजह से। अब देखो सीन क्या कुछ होता है, हर एक बंदे के पास एक अलग डिवाइस होता है एंड हर एक डिवाइस की अलग अलग सेंसिटिविटी होती है, एंड आप लोगों को अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग सेंसिटिविटी को रखना पड़ेगा, तभी आपके वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट लग पाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर गाइस, मैं आपको लो एंड डिवाइस से लेके हाई एंड डिवाइस तक बेस्ट ऑटो हेडशॉट सेंसिटिविटी की सेटिंग बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग सेंसिटिविटी अपने डिवाइस में रख लेते हो तो आपके 100% वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट लगना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि अभी के टाइम में मेरे लग रहा है, आप सभी लोग बैकग्राउंड में मेरा गेम प्ले देख सकते हो, पहले मेरे भी वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट नहीं लगते थे, बट अभी के टाइम में आप लाइव प्रूफ देख लो, मेरे इजिली वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट लग जाते हैं। एंड इसके अलावा अगर हम बात कर लेंगे बेस्ट फायर बटन साइज एंड पोजीशन के बारे में। अब देखो सीन क्या कुछ है, बहुत सारे प्लेयर इस बात पर भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाई हम अपने फायर बटन के साइज को कितना रखें एंड उसकी पोजीशन को कहां पे रखें, तो ये भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है, बस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखो जैसे आप सेंसिटिविटी की सेटिंग में आते हो ना, तो यहाँ पर आपको बहुत तरीके की सेंसिटिविटी की सेटिंग देखने को मिल जाती है, जैसे जर्नल, रेड डॉट, 2x स्कोप, 4x स्कोप, स्नाइपर स्कोप एंड फ्री लुक। अब देखो यहाँ पर आप जितनी भी सेंसिटिविटी देख रहे हो ना, हर एक सेंसिटिविटी का अपना अलग अलग काम होता है एंड आपको हर एक की वैल्यू को अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग अलग अलग रखना पड़ेगा, तभी आपके वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट लग पाएंगे। अब देखो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी सेंसिटिविटी कैसे वर्क करती है एंड आपको कौन सी सेंसिटिविटी की वैल्यू को कितना रखना है अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग। तो बस ध्यान से वीडियो को लास्ट तक वॉच करना एंड जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा ही करना, मैं हर एक डिवाइस के लिए बताने वाला हूँ, चाहे बस 1GB, 2GB, 3GB, 4GB, 6GB, 8GB, 12GB या फिर उससे भी बड़ा डिवाइस हो, सभी के लिए बता दूंगा, बस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक वॉच करना। सो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्री लुक सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। अब देखो गाइस, अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है ना, लाइक 1GB RAM, 2GB RAM, 3GB RAM या फिर 4GB RAM, तो आपको जो फ्री लुक सेंसिटिविटी वाली सेटिंग को ऑलवेज आपको 75 रखना है, ये एकदम बेस्ट होता है। बट गाइस, अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है ना, लाइक 6GB RAM, 8GB RAM, 12GB RAM या फिर उससे भी ज़्यादा, तो आपको जो फ्री लुक वाली सेंसिटिविटी को ऑलवेज आपको 70 यानी आपको 70 रखना है, ये हाई एंड डिवाइस के लिए एकदम बेस्ट होता है। इसके बाद गाइस हम बात कर लेते हैं स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। अब देखो गाइस, ये वाली सेंसिटिविटी की सेटिंग बेसिकली तब वर्क करती है जब आप किसी स्नाइपर स्कोप को ओपन करके किसी एनिमी के ऊपर फायर करते हो, एंड जब उस टाइम आपका जो स्कोप है ना इधर उधर हिलता है, तो वहीं पे आपकी स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी वर्क करती है। तो गाइस, अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है ना, लाइक 1GB RAM, 2GB RAM, 3GB RAM या फिर 4GB RAM, तो आपको ये जो स्नाइपर स्कोप वाली सेंसिटिविटी को ऑलवेज आपको 60 यानी 60 पर आपको रखना है। बट गाइस, अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है ना, लाइक 6GB RAM, 8GB RAM, 12GB RAM या फिर उससे भी ज़्यादा, तो आपको जो स्नाइपर स्कोप वाली सेंसिटिविटी को कम करके आपको 50 रख देना है यानी 50 कर देना है, ये एकदम बेस्ट होता है हाई एंड डिवाइस के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 4x स्कोप सेंसिटिविटी के बारे में। अब देखो गाइस, बेसिकली ये वाली सेंसिटिविटी की सेटिंग तब वर्क करती है जब आप किसी लॉन्ग रेंज की गन में 4x का स्कोप लगा के किसी एनिमी के ऊपर फायर करते हो, तो उस टाइम आपकी 4x स्कोप सेंसिटिविटी वर्क करती है। सो गाइस, अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है ना, लाइक 1GB RAM, 2GB RAM, 3GB RAM या फिर 4GB RAM, तो आपको जो 4x स्कोप वाली सेंसिटिविटी को हमेशा आपको 100 पर रखना होता है, ये एकदम बेस्ट होता है लो एंड डिवाइस के लिए। बट गाइस, अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है ना, लाइक 6GB RAM, 8GB RAM, 12GB RAM या फिर उससे भी ज़्यादा, तो आपको जो 4x स्कोप वाली सेंसिटिविटी को ऑलवेज आपको 98 कर देना है, ये एकदम बेस्ट होता है हाई एंड डिवाइस के लिए। अब देखो, इसके बाद हम बात कर लेते हैं 2x स्कोप सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। अब देखो, ये वाली सेंसिटिविटी की सेटिंग बेसिकली तब वर्क करती है जब आप किसी लॉन्ग रेंज की गन में 2x का स्कोप लगा के किसी एनिमी के ऊपर फायर करते हो। तो ऐसे देखो, चाहे आपके पास लो एंड डिवाइस से ही, चाहे आपके पास हाई एंड डिवाइस से ही, यानी 1 से लेके 12GB RAM यानी हर एक डिवाइस में आपको जो 2x स्कोप वाली वैल्यू को हमेशा 100 रखना होता है, ये लो एंड डिवाइस से लेके हाई एंड डिवाइस तक एकदम बेस्ट होता है। आपको इस वाली वैल्यू को हर एक डिवाइस में 100 रखना है,
इसको से हम बात कर लेते हैं रेड डॉट सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। अब देखो गाइस, ये वाली सेंसिटिविटी की सेटिंग बेसिकली तब वर्क करती है जब आप किसी लॉन्ग रेंज के गन में कोई भी स्कोप नहीं लगाते हो, एंड जब छोटा वाला डिफॉल्ट 1x वाला स्कोप आता है, एंड उसी को बोलते हैं गाइस रेड डॉट की सेंसिटिविटी। अब देखो ये वाली सेंसिटिविटी मैंने आपको बता दिया कब वर्क करती है, अब मैं आपको बता देता हूँ इसकी वैल्यू को आपको कितना रखना है। सो गाइस, अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है ना, लाइक 1GB RAM, 2GB RAM, 3GB RAM या फिर 4GB RAM, तो आपको जो रेड डॉट सेंसिटिविटी वाली वैल्यू को हमेशा गाइस आपको 90 रखना है, यानी आपको 90 कर देना है। बट गाइस, अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है ना, लाइक 6GB RAM, 8GB RAM या फिर 12GB RAM, तो आपको जो रेड डॉट वाली सेंसिटिविटी की सेटिंग को हमेशा आपको 85 कर देना है, यानी आपको 5 कम कर देना है। ये एकदम बेस्ट होता है हाई एंड डिवाइस के लिए। इसको अगर हम बात कर लेते हैं जर्नल सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। अब देखो, जो ये वाली जो सेंसिटिविटी सेटिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके हेडशॉट मारने के लिए। इसको आपको ध्यान से समझना है कि आपको इसकी वैल्यू को आपको कितना रखना है। सबसे पहले गाइस, मैं आपको बता देना चाहता हूँ लो एंड डिवाइस के लिए। सो गाइस, अगर आपके पास 1 से लेके 4GB RAM तक का डिवाइस है ना, तो आपको जर्नल सेंसिटिविटी को हमेशा 100 रखना है। सीन क्या कुछ होता है, लो एंड डिवाइस की सेंसिटिविटी पहले से ही काफ़ी ज़्यादा कम होती है। अगर आप इसको 100 कर देते हो तो आपके इजीली लो एंड डिवाइस में 1 tap and drag हेडशॉट लगना स्टार्ट हो जाएंगे। बट गाइस, अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है ना, लाइक 6GB RAM, 8GB RAM, 12GB RAM या फिर उससे भी ज़्यादा, तो आपको ये जो जर्नल वाली सेंसिटिविटी की वैल्यू को 97, 98 आप कुछ भी रख सकते हो, ये एकदम बेस्ट होता है। आप 97 रख सकते हो, ये एकदम बेस्ट है, 98 भी आप रख सकते हो, ये जनरल सेंसिटिविटी हाई एंड डिवाइस के लिए बेस्ट होती है। अब देखो, इसके बाद हम बात कर लेते हैं बेस्ट फायर बटन साइज एंड पोजीशन के बारे में। अब देखो, जैसे आप अपनी कस्टम एचयूडी के अंदर आते हो, तो यहाँ पर आपको आपका फायर बटन देखने को मिल जाता है। अब देखो सीन क्या कुछ है, आप इस वाले फायर बटन को 10 से लेके 100 तक इंक्रीज कर सकते हो, यानी आप कम से कम 10 रख सकते हो इसका साइज, और मैक्सिमम आप इसको 100 तक रख सकते हो। अब सीन क्या कुछ है, बहुत सारे बंदे कन्फ्यूजन में रहते हैं, भाई हम अपने फायर बटन के साइज को कितना रखें। अब देखो सीन क्या कुछ है, अगर आप अपने फायर बटन के साइज को बड़ा रख लेते हो, तो आपको सबसे पहली बात है आपको ड्रैग करने के लिए स्पेस नहीं मिल पाएगा। एंड इसके अलावा गाइस, आप जब भी अपनी स्क्रीन को रोटेट करोगे, तो मिस्टेक से आपका फायर बटन का साइज बार बार क्लिक होगा, बिकॉज आपने अपने फायर बटन के साइज को ज्यादा बढ़ा दिया है। अब देखो, अगर आप अपने फायर बटन के साइज को ज्यादा ही छोटा कर देते हो, तो आपके वहां पे टच ही नहीं हो पाएगा। अब देखो सीन क्या हो चुका, जैसे ही आपके सामने एनिमी आएगा एंड जैसे आप फायर करोगे, तो आपकी स्किन पर ही टच होगा, आपके फायर बटन पर टच बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज आपने अपने फायर बटन को बिल्कुल छोटा कर दिया है। अब देखो, अब साइज रखें तो कितना रखें। सो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लो एंड डिवाइस के लिए। सो गाइस, अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है ना, लाइक 1GB RAM, 2GB RAM, 3GB RAM या फिर 4GB RAM, तो आपको जो फायर बटन के साइज को 50 से लेके 55 के बीच में कुछ भी आपको रख देना है। आप 51 रख सकते हो, 52, 53, 54 रख सकते हो, यानी आपको अपने लो एंड डिवाइस में फायर बटन के साइज को 50 से लेके 55 के बीच में कुछ भी रख देना है, ये एकदम बेस्ट एंड परफेक्ट होता है। इसको अगर हम बात कर लेते हैं हाई एंड डिवाइस वालों के बारे में। सो गाइस, अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है ना, लाइक 6GB RAM, 8GB RAM, 12GB RAM या फिर उससे भी ज़्यादा, तो आपको अपने फायर बटन के साइज को ऑलवेज 45 से लेके 50 के बीच में कुछ भी रख देना है, यानी आप 46 रख सकते हो, 47 रख सकते हो, 48 रख सकते हो, यानी आपको हाई एंड डिवाइस में फायर बटन के साइज को 45 से लेके 50 के बीच में कुछ भी रख देना है। अब ये जो सारे कुछ साइज है ना, वो मैंने खुद टेस्ट किए हैं, ये एकदम बेस्ट होते हैं लो एंड डिवाइस के लिए भी, हाई एंड डिवाइस के लिए भी। मैंने आपको फायर बटन का साइज बता दिया। इसको अगर हम बात कर लेते हैं फायर बटन की पोजीशन के बारे में। अब देखो सीन क्या कुछ है, बहुत सारे बंदे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि भाई हम अपने फायर बटन को कहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, भाई कहाँ रखें। अब देखो गाइस, सीन क्या कुछ होता है, इसके लिए बेसिकली मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे कि आप अपने फायर बटन को कहाँ पे रखने वाले हो। सीन क्या कुछ है, आपको अपने फोन को पकड़ना है एंड आपको बिना देखे ड्रैग करना है अपने अंगूठे से, आपको बिना देखे ड्रैग करना है, आपको फायर बटन पर ड्रैग नहीं करना, आपका हाथ जहाँ पे आपका अंगूठा ऑटोमेटिक जा रहा है, आपको ड्रैग करने की कोशिश करनी है, आपको देखना है आपका अंगूठा कहाँ पे बार बार टैप हो रहा है। तो बस आपका अंगूठा बिना देखे बार बार जहाँ पे क्लिक हो रहा है, वहीं पे आपको अपने फायर बटन को ऐसे रख देना है, वही आपके लिए बेस्ट फायर बटन की पोजीशन बन जाती है, बिकॉज आपका जो अंगूठा है ना, वो आपका अंगूठा वहीं पे मैक्सिमम जा सकता है,
एंड वहीं पे बार बार क्लिक हो रहा है तो वहीं पर आपको अपने फायर बटन को रख देना है। ये फायर बटन की बेस्ट पोजीशन होती है। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बेस्ट सेंसिटिविटी की सेटिंग भी बता दी एंड मैंने आपको बेस्ट फायर बटन का साइज एंड पोजीशन भी बता दिया। सो बस गाइस, यही इस वीडियो में, वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है तो मेरी मेहनत के लिए प्लीज यार एक लाइक कर देना एंड चैनल को भी प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।